बेटा है माँ, यही दुनिया का रीत है। आज देखा, हाँ माँ देख लिया, पराया तो पराया है, सहोदर भाई भी जगह नहीं दिया। ऐसा करो, हम जो कहेंगे तुम ही, हाँ माँ वो तुम करोगे। आज हम दोनों के पास कुछ नहीं तो किसी का कोई नहीं। हम जो तुमको कहेंगे तुम करोगी, हाँ माँ तुम मेरी माँ हो, मैं तेरा बेटा हूँ, जो तुम कहोगी मैं बात मानने के लिए तैयार हूँ माँ। और देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। दुश्मन के हाथ से मरने से अच्छा होगा। चलो दोनों माँ बेटा गंगा में प्राण को त्याग देती। ठीक है माँ, अब हम दोनों के लिए कहीं जगह है नहीं, जीवित रह के क्या करेंगे। चले चलो किनारे। अरे माता गंगा मेरे दीपक त्याग भई परा, अरे प्राण का त्याग दे भई माता गंगा में। Thank you.
पिताजी। बोलो बेटी। गट मारो का करिंगा सिंह वीर जंबे का लड़का, मेरे पति को सोहुए में सर से धरा लग कर दिया। हंसी बंसावत पपिया घोड़ा सरचरा तलवार मेरे गले का नौ लखा है। मेरी रूपनी दासी सारा संपत्ति ले गया, जान बचाती कानो किला में गई कोई राजपूत जगत ही दिया। पराया तो पराया है माँ, अपना सहोदर भाई भी जगत ही दिया। अभी जिंदा लाश कब तक ढोते रहेंगे माँ, आप अपने आंचल में अपने शरण में जगह दीजिए, मैं जीना नहीं चाहती, हमारे लिए कहीं जगह नहीं है। तुम्हारे लिए जगह है बेटी। कहाँ माँ? तुम यहाँ से चल जाओ गट बनारस, तुम्हारे पति का दोस्त चचा सैयद है, वही जगह दे सकता है और दूसरा कोई नहीं देगा बेटी। मेरे लिए वहाँ जगह है? हाँ बेटी। माता जी के प्रणाम हो। खुश रहो। रस के ते सवारी बहुआ बना, रस के ते बड़े बड़े जानवर रहते हैं, जाकर के देखो, अगर वीर सैयद के यहाँ जगह मिलेगा तो मुझे बुला करके ले चलना, नहीं जगह मिले तो तू वापस आ जाना। मैं जाऊं गर्वनरस चाचा सैयद के यहाँ, वे जगह देंगे, तू यहीं रहोगे? हाँ बेटा। माँ इतना बड़ा जंगल है, इस जंगल में अनेक तरह के जानवर रहते हैं, एक तो पिताजी मुझे छोड़ के चल दिए, इस जंगल में तुम अकेले रहोगी, मैं वहां गया तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके लेके रहूंगी माँ? मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तू चला जा माँ। ऐसा न हो कि मैं उधर गया तू कहीं चली गई, ऐसा नहीं होगा मेरी लाल, तू जा जल्दी जा। ठीक है माताजी, तू इसी जगह ठहरना, मैं जरूर वापस आऊंगा। तेरा मासूम चेहरा दिल लगा मेरे
की काबिल नहीं है। दिल बता तेरा मासूम चेहरा, दिल लगाने की काबिल नहीं है। दिल बता तेरा मासूम चेहरा, दिल लगाने की काबिल नहीं है। दर्द ऐसा मुझको भूल जाने के काबिल नहीं है। मैं ऐसा दिया तुमने मुझको भूल जाने के काबिल नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमदुल्लाह कुबत रहवाने रहे, मन को भी पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम, कहो खैरियत कैसा है? सब आपका दुआ चाचा, सब अल्लाह ताला की दुआ होता है। रमजान, हाँ चाचा, हमारे बीबी ने अल्लाह ताला परवरदिगारों से, हाँ बोलिए, दामन फैला करके मांगी थी। क्या मांगी थी दामन फैला कर? या अल्लाह, मेरे लड़का अच्छा हो जाएंगे तो मैं चादर चढ़ाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम खीरी चमेली नरू जी सब की मधुआना फूल ये सब बात फूल लेकर के आओ, हमारा नमाज का वक्त हो चुका है। जी जी हाँ, क्योंकि पांचों वक्त का मैं नमाजी हूँ। आप तो पांचों वक्त की नमाजी है। अल्लाह ताला के घर में बिल्कुल ईमान कबूल कर लिया है। बहुत अच्छा किए, इसलिए मैं अपना मजहब को छोड़ता नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई अपना अपना मजहब को सब धर कर रहता है। तुम एक काम करो, फूल लग कर के आओ, चादर लगाओ, बिस्तरा तो फर्स्ट क्लास लगा। हाँ, हेलो हेलो हेलो, एक नंबर हरामी लड़का है तू। तुम नमाज पढ़ने के वक्त में मजाक क्यों करता है? मजाक न करियो चाचा। हाँ, हम तोरे बगल में फूल लेकर खड़ा रही। अच्छा, तू इतना लमलम जो हमारे बदन में तू ठेका उलट गेल। हमेशा उल्टा सीधा बोलने का तुमको रिवाज हो गया है। क्या करियो? रखो साइड में, रख दिया। हाँ, सब फूल है, खिली चमेली नर नेपकी सबकी सब। मिलना रमजान, तुमसे एक बात कहना है। कहिए ना चाचा, हम हाजिर हैं सुनने के लिए। मिलना सुनना बात रे हमार, असुतला तरहले रे मिलना लाल पलना पर।
हाँ चाचा मीर सैयद आंसू पोछना जानता है जी, लेकिन बहते हुए नहीं। कौन ऐसा दुखिया है जो मेरे राज में आंसू बहा रहा है? अपने गदमन इस राज में हाँ आंसू बहा रहा है? जाके पता लगाओ कौन ऐसा दुखिया है जो मेरे राज में आंसू बहा रहा है। हम अभी जाके पता लगा रहे हैं। जाओ पता लगा रहे हैं। हाँ साहब, कौन सा दुखिया है जो गदमन रस में आंसू बहा रहा है? हाजिर हो जाओ। हाजिर हो जाओ। भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भाई। इस राज्य का क्या नाम है भैया? गदमन रस। गदमन रस यही गदमन रस। यही गदमन रस है। मीर सैयद का ताजमहल बस देख तो रहे हैं। यही उनका ताजमहल। यही ताजमहल है। ये है या नहीं? अरे थोड़ी देर पहले आते थे यहाँ भेंट हो जाते, वो चले गए मस्जिद। भैया मैं एक भिक्षुक हूँ, भीख मांगते मांगते जहाँ शाम होता है सो जाता हूँ, सुबह होता है मैं चल देता हूँ। मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ कि इस गरीब के कुछ दान में दे देंगे किसी तरह। अच्छा घबराइए मत, आइए हमारे साथ, आइए 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 भाई। चाचा हाँ बोलो क्या बात है? अपने बगीचा में गए। अच्छा देख रहे हैं एक लड़का कान रो रहा है। अच्छा हमसे पूछा ये भैया ये कौन राज है? हाँ, कहा गदमन रस है। अच्छा तो मीर सैयद जी का मकान हमके यहाँ से कुछ दूर है। अच्छा हम उसको बुला कर लाए हैं, बहुत रोता है। बुला कर चले आया? पूछा नहीं जाता। हम इतने गलती किए जैसे ना नाम ठेकाना हमने नहीं पूछा। ठीक है उस लड़का को सामने करो। कहाँ गया हो लड़का? यही है, यही मीर सैयद है। हेलो हाथ जोड़िया हो चाचा कहनी हमारा
अच्छा अच्छा हाँ बेटा, एक कहानी तो कुछ पुरानी हो गई है। एक समय की बात है, जब तीनों प्राणी एक सेठ पे सोए हुए थे। अच्छा, करिंगा सिंह सोए हुए पिताजी को सर कट लिया, माँ के गले से 9 लाख के हार चुरा लिया और कहा कि हो सवेरे इन दोनों माँ बेटा को सर काट लेंगे। साचा रात्रि में भागते भागते हम दोनों माँ बेटा गढ़ उड़ेल गया, मामा माहिर के निकल। उन्हें हर दुखरा सुनाया, कहा कि मामा मुझे 2-4 रोज बिलवा लीजिए, लेकिन नहीं, वो बिलवाएंगे क्या? हम दोनों माँ बेटा को इस पीठ पे कितने कोरे चले हैं कोई ठिकाना नहीं। अंत में गले में हाथ डाल के रात से बाहर कर गए। तब हम दोनों माँ बेटा दिल में विचार किया कि मेरे लिए जगह है कहीं नहीं। माँ हमारी कही कि बेटा चलो हम दोनों माँ बेटा माँ गंगा में प्राण गमा लेंगे। माँ गंगा में प्राण गमाने गए, माँ गंगा साक्षात दर्शन दी और वही बताई कि बेटा घबरा मत, तुम्हारे लिए जगह है। मैं उनसे कहा कि माँ मेरे लिए जगह है का? वे कहे कि तुम्हारे पिता का दोस्त मीर सैयद जिनका घर गढ़बनरस, वहां जाओगे तुम्हें जगह मिल जाएगा। चाचा बड़ी आशा से मैं आपके निकट आया हूँ, आप जगह देंगे ना चाचा? सुनो बेटा, क्या चुतिया माहिल तुमको जगह देगा? मारते मारते घर से बेघर कर दिया। एक दिन का बात है, तुम्हारी माँ का डोला गढ़ से फड़ा करके लिए हुए आ रहे थे। हम रास्ते में शिकार खेलते खेलते मेरा जिसमें से रूप फना हुआ जा रहा था, उन्होंने देखे जो कोई शिकारी शिकार खेलते खेलते जमीन पर लेटा हुआ है। थोड़ा सा बचा हुआ था तुम्हारी माँ का डोला में पानी, उस डोला में से थोड़ा सा पानी लेकर के मुझे रूह को आपस बुलाए। उसी समय मैं कायम कर लिया था, या बेटा ये पानी का एहसान कभी खून से चुकाऊंगा। बेटा घबराओ नहीं, थोड़ा सा जगह क्या कहता है, मैं सारा जिंदगी के लिए जगह तुमको देंगे। ठीक है चाचा, मान लेना ये नगर मुहब्बा यही है, घबराओ नहीं। सुनो बेटा, अरे क्या माजरा है बता दो मुकर्रर। अरे क्या माजरा है बता दो मुकर्रर। अभी तुम ठहर जाओ और मिटाओ थकावट, अभी तुम ठहर जाओ और मिटाओ थकावट, अभी मैं पिलाता हूँ दुनिया। दुनिया देखना देखे खुदा तो देखते होंगे, भलाई भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। बेटा चाचा, घबराने का कोई बात नहीं है, ये बताओ बेटा तुम अकेले हो कि और कोई है? नहीं चाचा, मेरे पास मेरी माँ है, लेकिन मैं उन्हें रास्ते में ठहरा दिया। क्यों ठहरा दिया? चाचा जिस वक्त पिताजी दुनिया छोड़ के गए, अच्छा उस वक्त की हमारी माँ गर्भवती, अच्छा इसे चलने से असमर्थ, उसे चलना नहीं जा रहा,
इसलिए माँ हमारी कही कि बेटा जब तक मैं इसी जगह ठहर रही हूँ, अच्छा तुम जाओ वहाँ, यदि चाचा जगह देंगे तो तुम मुझे बुला के ले चलो। बेटा जब तुम्हारी माँ चलने से असमर्थ थी तब तुम रास्ते में छोड़ करके चले आया। आखिर क्या करते, जहाँ जाता था मुझे जगह मिलता था ना, उसे लेके मैं कहाँ जाता। ओ जब चाहा छेद माता गंगा ने दर्शन दी और कही तो ऊपर भी तुमको जगह नहीं मिलता था, इसलिए विश्वास नहीं था, इसलिए छोड़ करके चले आया। हाँ चाचा, खैर कोई बात नहीं है, एक काम करो तुम जाओ जहाँ छोड़ करके आया है वहां से तू अपनी माँ को बुला करके ले आओ। ठीक है चाचा, आपकी जैसी आज्ञा, मैं जा रहा हूँ। रमजान ये हिंदुआना लड़का है, बहुत अच्छा है, अपने हिंदुआना है, ये हिंदुआना लड़का है, अच्छा न हुआ था। इसका सारा व्यवस्था तो करना ही होगा आप ही को। सुनो, हम अपना मकान में रख लेते हैं, दुनिया वाले तोहनी करेंगे। हाँ तोहनी तो करेंगे, हंसी उजाएंगे, इसलिए मीर सैयद छतरानी को अपने मकान में रख लिया जी। इसलिए तुम जाओ हमारे मकान से कुछ दूर अलग छोटा सा मकान बनाओ। अच्छा अच्छा, दो टेलर ईटा गिरवा लेते हैं। हाँ, और जब तक करकट चढ़ा देते हैं और जितना जल्द हो सके दरवाजे पर एक शंकर भगवान का मंदिर बना देते हैं। मंदिर बनवाओ, एक चापाकल करवाओ, चापाकल, इसलिए हिंदुआना है, हिंदुआना है, छतरानी है, शंकर भगवान का पूजा करेंगे सूत उठ करके। चाचा हाँ, आज तक तो हम तोरे यहाँ का पानी न पी लियो हो। अच्छा, अब चापा कल कर रही है, वो हिंदू है, पानी हम खुद पी भाई। ठीक है, एक काम करना, तुम वही रहना, खाना पीना वही होगा, हमरो भी वही रहेगा, वही पूजा करना, स्नान करना, बिल्कुल काम करना, लेकिन जितना जल्द हो सके मकान बनवाओ। ठीक, चल मकान बनाओ। मकान तो ये सब डिजाइन है, ये सब डिजाइन निकाले हैं। ठीक है, वक्त कम था, जितना जल्दी बन गया वो अच्छा हुआ जी। लेकिन पाया तो सब ठीक है, लेकिन साथे साथ वायरिंग नहीं कर दिया जी। होगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अल्लाह सिंह को बुलवाइए, अपना प्रवेश करवाइए। पुरवारी जो पिलर है से थोड़ा सा इधर उधर करता है। ठीक है ठीक है, जब दो चार दिन सूखेगा ना। अच्छा, एकदम टाइट हो जाएगा। ठीक है, एकदम फिट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, अल्लाह को बुलवाओ। अल्लाह सिंह आइए मकान देख लीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए भाई साहब। हाँ, आप मुझे जगह दे करके हम पर हमारे बेटे पर बहुत बड़ा एहसान किया है, ये एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी।
एहसान हम क्या करेंगे, एहसान तो तुम्हारे पति बिरजासर सिंह करके गए हैं। उस समय जिस समय की बात है, गढ़ उड़े से ढोला फना करके साथ में लेकर के आ रहे थे। हम रास्ते में शिकार खेलते खेलते जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। मेरा जिस्म से रूह फना हुआ जा रहा था। उन्होंने देखे कोई शिकारी शिकार खेलते खेलते जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। देखे जब थोड़ा सा आपको डोला में पानी बचा हुआ था, उस डोला में से थोड़ा सा पानी लेकर के मुझे जिस्म को आपस बुलाए, न तो जिस्म से रूह उसी दिन फना हो जाता। लेकिन उसी दिन काम कर लिए जे या दोस्त, ये पानी का एहसान कभी खून से चुकाऊंगा। वही मौका मिल गया है, क्या कहे एहसान तो आपको पति बिरजासर सिंह करके मरे हैं। आपके राज में एक डगरीन का व्यवस्था हो तो कर दीजिए। एक डगरीन क्या, दो दो डगरीन बुला सकते हैं। ठीक है, डगरीन का बुलाइए जल्दी। फकीन फकीन